देश के उत्तरी क्षेत्र में पर्वतराज हिमालय की गोद में बसा कश्मीर प्राचीन काल से प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता, परंपरा, संस्कृति और विरासत का संगम रहा है। ऊंचे पर्वत शिखर, गहरी घाटियां, घने वन क्षेत्र और बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ की सुंदरता को और अधिक निखारते हैं और इसी वजह से ये क्षेत्र दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र है। इस खूबसूरत क्षेत्र की देश के अन्य भागों के साथ रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का बीड़ा उत्तर रेलवे ने उठाया है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो इसके लिए कार्यरत भी है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग की परिकल्पना की गई थी। इसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। लगभग 37,012 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। ये पूरा रेल मार्ग हिमालय के अत्यंत कठिन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसमें बड़ी संख्या में टनल और ब्रिज बनाए जा रहे हैं। 272 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग निर्माण के इस प्रोजेक्ट में से 161 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर उसका लोकार्पण भी किया जा चुका है। कटड़ा से बनिहाल तक के 111 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण कार्य अभी भी जारी है, जो इस प्रोजेक्ट का सर्वाधिक जटिल हिस्सा है। 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों में से होकर गुजरता है। इसमें सबसे बड़ी सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। निर्माण पूरा हो जाने के बाद ये देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे सुरंग होगी। इस मार्ग पर कुल 27 मुख्य सुरंग हैं, जिनकी कुल लंबाई 97.42 किलोमीटर और 8 एस्केप टनल हैं, जिनकी लंबाई 66.4 किलोमीटर होगी। वर्तमान में मुख्य सुरंगों के 97.31 किलोमीटर के साथ ही एस्केप टनल के संपूर्ण 66.4 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस मार्ग पर कुल 37 पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। इनमें से 25 बड़े पुल और 11 छोटे पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसमें से विश्व के सबसे ऊंचे चिनाव ब्रिज का काम भी पूरा हो चुका है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। साथ ही भारतीय रेल का पहला केबल स्टेड ब्रिज अंजी ब्रिज भी समापन के करीब है। कटड़ा से बनिहाल के बीच कुल 7 स्टेशन होंगे, जिनका काम पूरा हो चुका है। अत्यंत कठिन भौगोलिक क्षेत्र, खराब मौसम, भूस्खलन और हिमपात आदि के बीच इस रेल मार्ग का निर्माण निरंतर जारी है। बनिहाल बारामूला सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। कटड़ा बनिहाल सेक्शन के इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम, जैसे इंटीग्रेटेड सबस्टेशन, पावर सप्लाई व्यवस्था, टनल वेंटिलेशन और लाइटिंग, फायर फाइटिंग व एस्काडा इत्यादि तेजी से प्रगति पर है। इस क्रम में रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम का प्रावधान पहली बार भारतीय रेलवे पर किया जा रहा है और कार्य अत्यंत तीव्र गति से प्रगति पर है। कटड़ा बनिहाल सेक्शन में सिग्नलिंग और दूर संचार का काम भी द्रुत गति से प्रगति पर है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी नेशनल प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड राशि 5,310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कटड़ा बनिहाल सेक्शन का निर्माण कार्य अब तीव्र गति से समापन की ओर अग्रसर है। इसके निर्माण से कश्मीर घाटी का शेष भारत के साथ सीधा रेल संपर्क होगा, जो घाटी में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा और एक नए और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखेगा। एक भारत, श्रेष्ठ भारत।